आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए दिल्ली के, स्कूल बड़े अच्छे बन गए दिल्ली के, बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है। जो लोग सच पे चलते हैं उनका भगवान साथ देता है, वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।